सिरसा में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सिरसा में एक एटीएम की मशीन को निशाना बनाया गया था, लेकिन चोर उसे उखाड़ने में नाकामयाब रहे। वहीं पन्नीवाला मोटा में एक और ऐसी कोशिश की गई है, वो भी नाकाम रही है। जानकारी के अनुसार पन्नीवाला मोटा पुलिस नाका से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर एक स्थित एटीएम को निशाना बनाया गया। कटर से काटने की असफल इसमें कोशिश रही, नाकामयाब होने पर चोर इसे बीच में छोड़कर भाग गए। पन्नीवाला मोटा केनरा बैंक के मैनेजर सतनाम कंबोज ने बताया कि एटीएम में तकरीबन 4.25 लाख रुपए की नकदी थी, जो सुरक्षित है। सूचना के बाद ओढ़ा पुलिस व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और सबूत जुटाए गए। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मैनेजर की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुबह 8:30 के करीब। अच्छा, आपने क्या देखा? मैंने वहाँ से बाइक को मोड़ा तो मोड़ते उस टाइम देखा शटर आधा खुला हुआ था, और फिर मैंने बाइक रोक के मैनेजर साहब को फोन किया। मैंने कहा सर अपने एटीएम का जो शटर है उसके दोनों ताले टूटे हुए हैं और शटर आधा उठा हुआ है। मैनेजर साहब ने मेरे को यह कहा भाई तू वहीं दूर खड़ा हो जा, मैं आता हूँ, उसके बाद तो देखेंगे कोई कार्रवाई होगी। उसके लगभग आधा घंटा 40 मिनट के बाद मैनेजर साहब यहाँ आ गए और उनके आने के बाद फिर हमने शटर उठा के देखा तो अंदर की हालत लगभग 5:20 के। अच्छा, आप शाम बंद कर देते हो? अच्छा, तो कितना कैश सुरक्षित है इसमें? सारा तकरीबन 3.5 लाख रुपए। ओढ़ा से राजू इंसान की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट।